हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी जोन में। मैं लाया हूँ बालक विकास के कुछ क्वेश्चन जो है आईएमपी, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। देखिए, एक क्वेश्चन है 16 नंबर का, 25 या 25 से कम बुद्धि लब्धि वाला बालक कहलाता है। 25 या 25 से कम बुद्धि लब्धि वाला बालक कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। जड़ बुद्धि बालक, सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक या सृजनात्मक बालक। तो इसका आंसर है हमारा जड़ बुद्धि बालक। कौन सा बालक? जड़ बुद्धि बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन आवश्यक है। मूल्यांकन क्यों हो सकता आवश्यक है बताइए। व्यक्तिगत भिन्नता जानने के लिए, छात्रों के मार्गदर्शन के लिए, पाठ्यक्रम में सुधार के लिए। तो उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन है उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी चीज़ मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। 14 क्वेश्चन, भारत में मनोविज्ञान प्रयोगशाला में की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई? भारत में मनोविज्ञान प्रयोग पाठशाला की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई? 1916 में, और बुद्धि की हुई थी 1905 में। तो इसका राइट आंसर है मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1916 में हमारे यहाँ स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टॉल्ट दृष्टिकोण के द्वारा व्यक्तित्व की व्याख्या की है। किस व्यक्तित्व की व्याख्या की है बताइए आप। गेस्टॉल्ट दृष्टिकोण के द्वारा व्यक्तित्व की व्याख्या की गई है। किसके? अल्पोर्ट के द्वारा, ड्राइवर ने, स्टेगनर ने या मुड्रे ने। तो इसका आंसर है अल्पोर्ट, अल्पोर्ट ने। ठीक है, गेस्टॉल्ट का सही आंसर अल्पोर्ट ने। निम्न में से ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है। निम्न में से ज्ञानात्मक स्तर का प्रथम पक्ष क्या है? बोध है, प्रयोग है, ज्ञान है, मूल्यांकन है। तो इसका आंसर है बोध। दोनों का ए आंसर है। गेस्टॉल्ट दृष्टिकोण के व्यक्तित्व की व्याख्या की अल्पोर्ट ने। निम्न में से ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है बोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन कितने प्रकार में होता है बताइए। कितने बुद्धि का संरक्षण बुद्धि बुद्धि की संरचना का वर्णन कितने प्रकार में होता है मानसिक योग्यता के आधार पर? तो इसका राइट आंसर है तीन प्रकार से। ठीक है, तो तीन प्रकार से हम कर सकते हैं। गेस्टॉल्ट दृष्टिकोण के व्यक्तित्व क्या? तो दृष्टिकोण से व्यक्तित्व की व्याख्या अल्पोर्ट ने की है। ठीक है, राइट आंसर अल्पोर्ट। निम्न में से व्यवहारवाद को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो बताओ, व्यवहारवाद को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो इससे द्वितीय बल, चतुर्थ बल, पांचवा बल, तृतीय बल। तो इस राइट आंसर द्वितीय बल। निम्न में से व्यवहारवाद को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय बल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टॉल्ट का अध्ययन क्षेत्र है। गेस्टॉल्ट का अध्ययन क्षेत्र कौन सा होता है? स्मृति, सीखना, व्यक्तित्व विकास या प्रत्यक्षीकरण? तो राइट आंसर है प्रत्यक्षीकरण। गेस्टॉल्ट का अध्ययन क्षेत्र है प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विकास की विशेषता है। निम्न में से विकास की विशेषता है, विकास की क्या विशेषता है? जल्दी से देखो, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि विकास की विशेषता है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा उपकरण है। भाषा किसका उपकरण है? झगड़ा, शिक्षा, प्रेम या संपर्क? तो रियल है, भाषा से संपर्क किया जाता है, इसलिए भाषा का राइट आंसर है संपर्क। ठीक है, डी ऑप्शन, क्योंकि भाषा से हम क्या कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं। बालक की किस अवस्था में उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है? किस अवस्था में बालक का ये सामाजिक, संवेगात्मक और पूर्ण विकास, मानसिक, शारीरिक विकास पूर्ण होता है? ये सब किशोर अवस्था में बालक परिपूर्ण हो जाता है। ठीक है, समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक है। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो समूह कारक के प्रतिपादक थर्नडाइक, थर्स्टन, रॉबर्ट स्टेनबर्ग या टर्मन। तो ये थर्स्टन कौन है? इसके प्रतिपादक है समूह कारक के। ठीक है, राइट आंसर थर्स्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्तित्व की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, यह कथन है? तो व्यक्तित्व के पर्यावरण के संबंध में पर्यावरण के संबंध में व्यक्तित्व की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, यह कथन किसने दिया है? तो राइट आंसर है बुटवर्थ ने। किसने दिया? बुटवर्थ ने दिया। किसने दिया? बुटवर्थ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से व्यक्ति रोग निदान और उपचार की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? कौन सा? व्यक्ति रोग निदान और उपचार की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो राइट आंसर है प्रश्नावली
पड़ी सूचिया, मैं ऑप्शन बताता हूँ क्या फिर से। निम्न में से व्यक्ति रोग निदान और उपचार की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? पेंसिल कागज विधि, निर्माण परीक्षण विधि, मनोविश्लेषण या प्रश्नावली परिसूची? तो राइट आंसर है प्रश्नावली परिसूचियाँ व्यक्ति निदान और उपचार की सर्वश्रेष्ठ विधि है, प्रश्नावली परिसूचियाँ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोक्राइन ग्लैंड का विकास संबंधित है शारीरिक विकास से, संवेगात्मक विकास से, मांसपेशिया विकास से? तो इसका राइट आंसर है संवेगात्मक विकास से। निम्न में से व्यक्ति रोग निदान और उपचार की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो इसकी मैंने बताया है प्रश्नावली परिसूचियां व्यक्ति रोग निदान और उपचार की सर्वश्रेष्ठ विधि है। पियांजे के संज्ञात्मक विकास कौन सा? पियांजे के संज्ञात्मक विकास की व्यवस्था है, तो पियांजे की संज्ञात्मक विकास की व्यवस्था है संवेदी प्रेरक, पूर्व सक्रियात्मक या मूर्त सक्रियात्मक? तो उपयुक्त सही, ठीक है, उपयुक्त सभी आंसर है इसका, कौन सा? संवेदी प्रेरक भी है, पूर्ण सक्रियता भी है और मूर्त सक्रियता, तो आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू दोस्तों, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन अगले सेक्शन में मैं दूंगा, इसके लिए आप सब्सक्राइब कमेंट।